अच्छा जन्नत में खाने का जो सिस्टम होगा, आ हा हा, यहाँ अगर खस्सी का गोश्त खाने का मन हो तो जाइए पलासी जाइए, दुकानदार के पास जाइए, गोश्त कटवाइए, घर में लेके आइए, फुतकी की माँ को दीजिए, फुतकी की माँ गोश्त बनाएगी, मसाला चूरेगी, वो चूल्हा जलाएगी, गोश्त को क्या कहते हैं हांडी में देगी, आँच चूल्हा जलाएगी, गोश्त पकेगा, प्लेट में निकलेगा, फिर आप लुकमा बना कर खाएंगे, दांत से चबाएंगे, तब घोटेंगे, तब पेट में जाएगा, ये भाई। लेकिन जन्नत में ये झमेला नहीं है, जी चाहेगा हम गोश्त खाएंगे, जी चाहेगा फला फल खाएंगे, बस तबीयत ख्याल पैदा हुआ, आया फुर्स गया, फुर्स उम्र वहां चबाने की जरूरत नहीं है, कुर्बान जाओ। अच्छा यहां यहां खाइएगा तो ज्यादा खाइएगा तो गड़बड़ होगा, अब भाई ज्यादा खाइए गड़बड़ ना होगा। अब जहां दो रोटी खाते हैं, अब वो खस्सी का गोश्त मिल जाए, अब पांच रोटी दबा दिए पकड़ के, तो गड़बड़ होगा, तो गड़बड़ होगा तो फिर आप लोटा उठाइएगा, लोटा उठाइएगा तो बाथरूम खोजिएगा, बाथरूम नहीं मिलेगा तो बांस के झाड़ में और आम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वहां ये झमेला नहीं होगा, वहां पखाना पेशाब नहीं होगा, जन्नत में पखाना पेशाब वो झमेला नहीं है, जन्नत में ना पखाना होगा ना पेशाब होगा, कुर्बान जाइए, अल्लाह ने झमेला खत्म कर दिया, तो वहां खाना हजम कैसे होगा भाई। आदमी तो खाना खाएगा, फल खाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा, तो फिर वो जाएगा कहां भाई, फैक्ट्री में जाएगा तो निकलना भी चाहिए ना, तो निकलेगा कैसे, तो बताया गया कि पसीना, उसके बदन से पसीना निकलेगा ना, अब वो पसीना बदबूदार नहीं होगा, खुशबूदार होगा, सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, हल्का पसीना निकलेगा, एक डकार लेगा, सारा खाना हजम, फिर जी चाहेगा और लाओ, आया घुस गया ठुक पेट भर गया, इसलिए अल्लाह इनाम अता फरमाएगा। तो मेरे बच्चों इनाम, ये इनाम किसको मिलेगा, जो दुनिया के अंदर में आखिरत की तैयारी करेगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, तो अल्लाह यहाँ की मुसीबत को देखते हुए, बंदे की सब्र को देखते हुए, जब आप हशर के मैदान में जमा होगे तो अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, अब वो इनाम जन्नतुल फिरदौस होगा। तो जन्नत में जाने का अमल कहां करना है, दुनिया में करना है कि मरने के बाद करना है, बोलो भाई, बोलो भाई, दुनिया में करना है, जन्नत में जाने का अमल दुनिया में करना है, और दुनिया में सबसे बेहतर अमल, सबसे अच्छा अमल जन्नत में जाने का क्या है, वो है नमाज, 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 नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। लेकिन क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बहुत सारी बातें हैं, अपनी जबान को भी काबू में रखना है, अपने अखलाक को अच्छा बनाना है, अपने किरदार को अच्छा बनाना है, माँ बाप की खिदमत करना है, बड़ों का अदब करना है, छोटों से प्यार करना है, पड़ोसी का ख्याल रखना है, मस्जिदों को आबाद करना है, जो इन तमाम अहकाम पर ज़िंदगी गुजारेगा, फिर अल्लाह कहेगा वाह मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। तो क्या जवाब दोगे, यहाँ तो तैयारी किए नहीं, तो फिर अल्लाह को क्या कहोगे, अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा हमने तुमको पैदा किया, बेशुमार नेमतों को तुम्हारे ऊपर निछावर किया, तो और 70 साल तुमको मैंने जिंदगी दी, अब तुमको हम बुलाए हैं, तो तुम मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए, अरे बोलो मेरे लिए, कौन पूछेगा, तो क्या कहोगे, अल्लाह मोबाइल लाए, अल्लाह मोबाइल देख के खुश हो जाएगा क्या। अभी देखिए तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, एक आदमी को चैन नहीं मिला, गरीब आदमी था, पैसा नहीं था कि मोबाइल खरीदता, लेकिन उसके पास बकरी थी, बकरी बेच के मोबाइल खरीदा, भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ, बाबू बैठ, बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह। देखिए बड़ा अच्छा मजमा है और बहुत तेजी के साथ लोग बाजारों से जलसे के अंदर में तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह इनके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ पैगाम है मस्जिद के हवाले से आप तक मुझे पहुंचाना है, एक घंटे के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है। ये अल्लाह का शुक्र है दिन भर का सफ़र करके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, फिर तकरीर करके इंशाल्लाह निकलना है, कल उड़ीसा में प्रोग्राम है। अल्लाह की बारगाह में मेरे हक में भी दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे सफ़र को भी कामयाबी आसानी व आसान अता फरमाए, आसानी का आफियत का मामला अता फरमाए। अल्लाह आपके बैठने को और मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, आमीन बोले। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। अब ये गुस्सा करना क्या है? गुस्सा करना क्या है? हराम है, गुस्सा करना हराम है। बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर पहलवान वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। अरे बहादुर तो वो है। ए बाबू बोल, बैठाओ भाई इसको जल्दी से। ओहो, असली जलसा सुनने वाला ये हाजी, बैठो जल्दी बैठो। कहाँ जी वो? अच्छा एक वादा करो, जितने बच्चे बैठे हो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? है लागले मुतनी। एक जगह जलसा कर रहा, तकलीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा कहे बाबू कहे बेचने? बोला ये मोल साहब बहुत जोर से लागला सामना। बोले बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमें इशारा किए, बेटा जो बोली नहीं जो। तो हम उसको पूछे कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला की करेल जी, वो जे करेल जे जी लाल बो ये भैग ली जाब जाम एक जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था मालिक को गुस्सा आया, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। जब गुस्सा आए मेरे बच्चों तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या पढ़ लेना है? जब गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना, इसलिए कि जब गुस्सा आता है शैतान हावी हो जाता है, इंसान की जबान से गाली निकल जाती है, इंसान किसी को मार बैठता है, बाद में अफसोस होता है क्या हा हमको गाली नहीं देना चाहिए था, हमको भला बुरा नहीं कहना चाहिए था, हमको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बाद में अफसोस होता है। तो इसलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लोगे ना तो शैतान का हमला नहीं होगा। इसलिए कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मैं मुसाफिर हूँ और उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो ये 40 मुसलमान बैठा है। अरे भाई बोलिए ना, 40 मुसलमान बैठा है, पीछे मुड़कर देखिए ना कितना बैठा है। देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है। ए बेटा बैठ बैठ जा बैठ जा। ए माशाल्लाह, अब वो हेलमेट खोल भी लिया हो, बहुत अच्छा, ठंड लग रही होगी शायद। तो जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो वहाँ पर जब दुआ मांगी जाती है वो दुआ रद्द नहीं होती बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। अच्छा आगे चलिए, बड़ी प्यारी हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनकी दाढ़ी जिनकी सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, बूढ़ा हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है ना तो अल्लाह को शर्म आती है, उस बूढ़े की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाल्लाह। लेकिन एक बात याद रखिए, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत में नहीं, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगा। बुढ़वा लोग सोचते थे हो कि बोली हो हमारा इतना नमाज पढ़े जी, रोजारा के जी, कुरान पढ़े जी, हमने इतनी जन्नत नहीं जो, तो खाली जवाने जीतेगी। हाँ आप भी जन्नत में जाएंगे, आप भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह पहले जवान बनाएगा फिर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाल्लाह।
जवान बनाएगा अल्लाह, जवान बनाएगा, हट्टा कट्टा 32-33 साल की उम्र देगा अल्लाह, 32-33 साल की जवानी होगी। सोने का कंगन अल्लाह यहाँ से लेकर यहाँ तक मोटा मोटा कंगन पहनाएगा, पूरे कंगन रहेगा, हर जन्नती को अल्लाह पहनाएगा, बड़ा खूबसूरत चेहरा होगा। ओ कुर्बान जाओ, ओ मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा ये मेरी जन्नत है, जहाँ चाहो वहाँ घूमो, जो चाहो वो खाओ। नींद की कुर्बानी करके आप इस जलसे में बैठे हो तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा भाई? अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा भाई? अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, किसी का एहसान नहीं रखता। नेकी कभी जाय नहीं होती है, नेकी कभी जाय नहीं होती है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह ज़मीन के जिस हिस्से पर आप बैठे हो कल क़यामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह इस ज़मीन के टुकड़े से पूछेगा, इस हिस्से से पूछेगा, ऐ ज़मीन बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, कौन कौन से काम किए तू बता। ये ज़मीन खबर नशर करेगी, ये ज़मीन कहेगी या अल्लाह फला तारीख को और रात के हिस्से में ए जलसा हो रहा था, तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, ये बंदा फला का बेटा फला तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। इसलिए इंशाल्लाह यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह, कितने लोग तैयार हैं यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेकर जाएंगे? हलवा पराठा लेकर जाएंगे। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर खुल गई, आवे आ रहा था, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ रास्ते में कि गाड़ी पास करने की जगह नहीं। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई जलसा कहाँ हो रहा? बोला हूँ जलसा वहाँ है जी, गई हमारी फ्री ग्रास नहीं आकी करी जी। अच्छा देखिए, ये भी हमारे नौजवानों पे कुर्बान जाइए। अच्छा घर से ये जलसा सुनने निकला है तो अपनी बीवी को कह के निकला, फुतकिक में हमें जलसा सुने जी, बोले बात सही कि नहीं? तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? घर से कह के निकला मामी जलसा सुनवा जाए, घूम रहा है बाजार में। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जो सवाब इस पिंडाल में बैठकर सुनने वाले को मिलेगा वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा वो सवाब घर में बिस्तरों पे आराम करने वाले को अल्लाह नहीं देगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे सुनने वाले को मिलेगा वो बाजार में घूम कर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जिन लोगों के कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हो तो चले आओ, आकर दिल जमी के साथ बैठो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब इसका इनाम, इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इखाने जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे। यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी वो कबूल होगी, वो दुआ मकबूल होगी इंशाअल्लाह। हम लोग यहाँ पर जो भी दुआ करेंगे मेरा रब हम सब की दुआ को कबूल करेगा। तो जोन हो लो, 30 बोरी है माशाल्लाह, 30 बोरी है तो आ गया हिसाब, आ गया। 7 जन हो लो, अरे 7 जन हो लो। देखिए इस बच्चे ने जो है 10 बोरी 10 बोरी 3 जगह पर लिखा है, इसलिए एक ये 10 देख करके मैंने 10 कहा था, इन्होंने 30 बोरी सीमित दिया है। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह इन अवदान के कबूल फोरे नो, अल्लाह इनके ऊपर मसीह जिंदगी विमान वाल रखे तो कल्याण में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान की, इस बच्चे की, या अल्लाह माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अच्छा बोल जी, कतो जन हो लो? 7 जन होलो, जन्नतेर कोटो दरवाजा।
आठ, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई आठवें नंबर पे कोई सखी इंशाल्लाह? 25 बोरी 50 बोरी 100 बोरी सीमेंट देने वाला हो, रड देने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, या वो 10,000 रुपये देने वाला हो, 25-50,000 रुपये भी देने वाला हो, या वो छत ढलाई का खर्चा उठा ले के हजरत छत ढलाई में जितने बालू लगेंगे मैं दूंगा, जितनी गिट्टी लगेगी वो मैं दूंगा, जितने सीमेंट लगेंगे वो मैं दूंगा, ऐसे ऐसे भी बरहट की सरजमीन पर अल्लाह का शेर बैठा हुआ है, अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इंशाल्लाह आठवें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपये देने वाला आठवें नंबर पे, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आठवें नंबर पे कोई नौजवान, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। मेरा अल्लाह कभी कर्जा नहीं रखता, मैंने शुरू में कहा था आपको कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे, ये अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा। मेरा अल्लाह इसका बदला कैसे देगा आप नहीं समझ पाओगे, किस रास्ते से देगा आप सोच नहीं सकते, कहां से देगा आप सोच नहीं सकते हैं। मेरा अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में तो है ही है, वो तो महल है, आखिरत में तो जन्नत में अल्लाह घर देगा, महल देगा इंशाल्लाह। मेरे भाइयों आठवें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई आठवें नंबर पे एक नौजवान 10,000 रुपये देने वाला। मेरा कोई भाई है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा साथी है, ए बाबू ए बोशे जाओ, बोखर बोरे बोशो, भालो करो बोशो। भाई आठवें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान? है भाई एक आदमी और इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह के साथ की उम्मीद है, जहाँ अल्लाह ने साथ को चुना है वहाँ पर मेरा अल्लाह आठवें को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। ये बरहट पलासी की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े सखी यहाँ रहते हैं, फैयाज दिल वाले रहते हैं इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा, कोई ना कोई माँ का चहीता बेटा होगा, कोई ना कोई माँ का लाडला बेटा होगा, कोई ना कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा होगा, कोई ना कोई अल्लाह के रास्ते में दान करने वाला सखी होगा इंशाअल्लाह। आठवें नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। ए देखिए आ गया नौजवान, ए लीजिए, है भाई रामर छेले पुरदाते बोशे आशे अमर मां बोन आमी सबा को सलाम करछि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा बोल जी कि आमी सलाम करलम, आगु थेके किछु लोग अमर सलामेर जवाब दिलेन, पीछू दिके कि बोललेन आमी बुझते पारलम ना। अल्लाह नबीर फरमान आछे यदि तुम्हाके कोई सलाम करे ओनार सलामेर भालो जवाब दाओ, कि यहीटा भलो जवाब छिलो जेटा अपने दिलें, एक बार और चेष्टा करछि देखछि कत लोक आमार सालामेर भलो जवाब दिच्छेन। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह। ए माशाल्लाह। अच्छा बोल जी कि अपनारा बांगला बुझते पारें तो? ए शिक्षित लोक एखाने आसें। ए माशाल्लाह, बहुत सारे लोग गेट पर खड़े हैं। अच्छा ये चीज़ ये बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुँह दिया ना भाई, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आँख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया? अरे बैठने के लिए कुछ दिल गए कि नहीं? तो जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे बच्चों मेरे नौजवानों, खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान और सुकून के साथ बस बैठ जाएगा। एखाने बोशो ओखाने बोशो, बोशो जाओ। वाह भाई वाह, ए वाह बैठ जाओ। ये सब बच्चे सब बड़ी मोहब्बत करते हैं, सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए खींचे चले आए हैं, कड़ाके की ठंड है लेकिन इसको परवाह नहीं। भाई पीछे कुछ लोग बहुत पीछे हैं, भाई बहुत पीछे हैं आप, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीछे हैं, गर्मी का वो कड़ाके की ठंड है, सिमट कर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मोहब्बत भी बढ़ेगी और ठंड भी नहीं लगेगी। अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। बाबू जो लोग खड़े हैं बैठना जाइए, आइए ना जल्दी जल्दी आइए ना, वह खड़े रहने से कोई फ़ायदा है बताइए? आ जाइए आ जाइए भाई आ जाइए भाई, बोसे जाओ खाने बोसे जाओ, जखाने जोगो मिले उखाने बोशे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या पढ़ा लिखा नौजवान है भाई,
ये सब एमए उमए वाला सब माशाल्लाह। बसे जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। माशाल्लाह वाह भाई वाह, क्या कहने, क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है। ये कड़ाके की ठंड है मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर अभी जलसा नहीं होता तो आप अपने घर में होते, रजाई के नीचे होते, कंबल के अंदर में होते, लेकिन जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गर्म बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, शरीक व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আসা আমার বিদ্বান উলামায়ে কেরাম, শুরায়ে জাম नकीबे हिंदुस्तान पिंडाल थी के बोशियाशी अमार दादा भाई, हाफिज मुख्तार दस दर, हाफिज मुख्तार जो मस्जिद के करीब है के रहने वाला है और उनका बड़ा भाई नारे तकबीर, माशाल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक ताला उनके हर जायज मुरादों को पूरी फरमाए, अल्लाह तबारक ताला उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। हाफिज़ कुरान हामिल कुरान कारी कुरान जनाब मुख्तार साहब दामद बरकात, हमने 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में दान किया, अल्लाह इनके दान को कबूल करे, लो अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई आठ कत जन हो लो, आठ दस में कितने कम रह गए, दस और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, 99 दो आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, दो आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई 10,000 वाले इंशाल्लाह। है कोई सखी हमारे नौशाद बाबू की तरह कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, जो बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ नौशाद बाबू ने 50 बोरी सीमेंट इस मस्जिद की छत डलाई में अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है, दान किया है, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पलासी बरहट की सरजमीन है, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि 90 नंबर पर कोई नौजवान तैयार हो गए। देखिए आ रहा नौजवान, वाह भाई वाह, आ गया, ए 90 नंबर पे आ गया, नारे तकबीर, ए 90 नंबर पे नौजवान आ गया, ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह। 5 बोरी सीमेंट लिख लिए उस बच्चे के नाम से, 5 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल करे। रो भाई 90 नंबर पे 10,000 देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, है कोई।